वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएसटी राम प्रकाश गौतम। और आज की चर्चा का विषय है कि कैश विड्रॉल पे कितना टीडीएस आपको लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर करवाते हैं और आप इंडिविजुअल हैं तो उस पे कितना टैक्स लगेगा, आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस का ये दो सेक्शन, सेक्शन 194M और 194N है। आइए हम चर्चा करते हैं इस पे विशेष रूप से डिटेल में। मैं हूँ राम प्रकाश गौतम और आज की चर्चा जो हो रही है वो है सेक्शन 194N। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फाइनेंस बिल 2019 को, और इसमें जो कैश के विड्रॉल पे कितना टीडीएस आपका काटा जाएगा उस पे हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनों बीच को। अगर आप उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो जरूर शेयर करिए, आपके कोई जानकार कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं तो। रूल जो आया है सेक्शन 194N, ये टीडीएस का सीरीज है, टीडीएस का सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, ये तीन जगह ही हम पैसे का लेन देन करते हैं। बैंकिंग कंपनी एक्ट का जो है एक्ट 1949 में जो अप्लाई है कि जो भी बैंक उसमें सेक्शन 51 के डेफिनेशन के तहत आते हैं वो सारे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काटेंगे। टीडीएस क्यों काटेंगे? तो जब आप कैश का विड्रॉ करते हैं तो कितने का विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस कटेगा। तो पहला पॉइंट जो ये है वो है, उसका जवाब है कि अगर आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी से 1 करोड़ रुपए का विड्रॉ करते हैं तो इन तीनों का लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका टीडीएस काटेंगे। वो भी कितना परसेंट? 2%। 2% आपका टीडीएस काट करके ये जमा करेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, कैश का ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं थोड़ा अलर्ट हो जाइए। उसके बाद दूसरी सेक्शन का मैंने चर्चा किया है कि वेलकम करना है हमें सेक्शन 194M। ये नया सेक्शन टीडीएस का ही है। टीडीएस का पहले भी इसे रिलेटेड, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टीडीएस का सेक्शन है, पहले भी कटता था लेकिन इसमें कुछ नियम। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो बीकॉम का हो या सीए का हो, इन सीडब्ल्यूएओ है या सीएसओ, इन सारे लोगों को ये सेक्शन इनकम टैक्स में इस बार पूछने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 194M कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या एचयूएफ जो सेक्शन 194C एंड 194J, 194C है कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटने का और 194J है प्रोफेशनल्स का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वकील का, इन सब का। तो अगर इन दोनों सेक्शन को कवर नहीं करता है तो वो आदमी अगर किसी भी रेसिडेंशियल पर्सन से, इंडिया का जो रेसिडेंट पर्सन है उसका काम करवाता है उस व्यक्ति से, चाहे वो लेबर सप्लाई का लेता है या किसी भी अन्य तरह का कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाता है या प्रोफेशनल सर्विस उससे लेता है, कोई कंसल्टेंसी फी लेता है फाइनेंशियल ईयर में, और उसका अमाउंट जो है वो जो काम करवाता है, जो टीडीएस कितने पे कटेगा उसके बारे में कहता है कि 50 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर 50 लाख रुपए तक का काम करवाता है तो उसे इक्वल टू 5% यानी टीडीएस जो है 5% काटना पड़ेगा। तो ये दो सेक्शन नया सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चाहे हमारी इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या टैक्स पेयर देख रहे हैं या टैक्स एडवाइजर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि लोगों को कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।